हम साइंटिफिक वर्क वर्क की रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करेंगे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको भी अच्छे तरीके से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइकोलॉजिस्ट क्रिएट एंड टू एक्सटेंड मेंटेन द रिकॉर्ड रिलेटिंग टू देयर प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक वर्क इन ऑर्डर टू फेसिलिटेट प्रोविजन ऑफ सर्विसज लेटर बाय दैम एंड बाय अदर साइकोलॉजिस्ट फॉर इंस्टेंस आपको किसी भी तरह का डाटा जो आपके क्लाइंट से रिलेटेड है उसकी ज़रूरत लेटर ऑन पड़ती है तो उसको किस तरीके से एक्सेस किया जाएगा उसको सॉफ्ट फॉर्म में भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है और उन आ, सारे डाटा को हार्ड फॉर्म में भी यानी पेपर के फॉर्म में भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए सर्टेन तरीके के साथ जो है वो नंबरिंग की जाती है रिकॉर्ड्स को जो है वो केसेस को जो है वो नंबर्स असाइन किए जाते हैं उनको एक सिस्टमेटिक ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है और साइमटेनियसली uh, जब हम उनको सॉफ्ट में अपने कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर एंटर कर रहे होते हैं तो भी हम उनको प्रॉपर कोड्स असाइन करते हैं और उसके साथ मार्क करते हैं कि हार्ड कॉपी में ये रिकॉर्ड आप कहाँ से ट्रैक कर सकते हैं देन अलाउ फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड एनालिसिस अगर एक रिसर्च जो है उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दोबारा से रेप्लिकेट करना है तो पिछली रिसर्च में क्या प्रोटोकॉल्स यूज किए गए थे क्या रिसर्च डिजाइन यूज किया गया था उसका लेआउट क्या था उसकी थ्योरेटिकल रेलिवेंस जो है वो कहाँ से ली गई थी कौन सा डेटा या आर्काइव्स जो है वो कॉन्टैक्ट की गई थी ये सारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने के लिए उसका सिस्टमैटिकली अवेलेबल होना बहुत जरूरी है देन मीट इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स समटाइम्स दिस इज द बल्कि ये कहना चाहिए कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन कि आपका डाटा इतना सिस्टमैटिकली पड़ा हो कि आप एक सिंगल क्लिक से सारे ओ के पेशेंट्स का जो डाटा है उनकी जो एज है उनकी जो मीन एज है वो आप फॉरन से एक्सेस कर सकें अगर आपके पास कोई इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं कि आपको कहा जाता है कि यू नीड टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टन काइंड ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर्स विच यू हैव सीन डूरिंग द लास्ट थ्री मंथस तो आपके पास ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप फ़ौरन अपना क्लिक, क्लिक क्लिक करें और उसको आप ट्रैक करें और आप फ़ौरन से बता सकें कि इतने परसेंट हमारे पास इस प्रॉब्लम के साथ क्लाइंट्स जो हैं वो आए हैं हम इसमें उनकी कॉन्फिडेंशालिटी को ब्रीच नहीं करें लेकिन हम एक स्टेटिस्टिक्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी ऑथराइज एजेंसी को कि ये ये केसेस या ये चीज़ें हमारे पास आ रही हैं इस तरह के सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स की वजह से आज हम कह सकते हैं कि कोविड नाइन्टीन पेंडामिक में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया यंग अडोलसनस में डिप्रेशन और एग्जाइटी के केसेस में इसी तरह हमें जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे उसकी वजह से होने वाली जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थी वो हमें मेल पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा नज़र आईं डोमेस्टिक लोड की वजह से ख़्वीन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन नज़र आया ये सारी स्टेटस्टिक्स हम उस वक्त दे सकते हैं जब हमारे पास ये चीज़ें एक सिस्टम के अंदर प्रॉपरली मेनटेन की गई होंगी दैन इश्योर एकूरेसी ऑफ बिलिंग एंड पेमेंट्स कि किस पेम, पेशेंट ने कितनी पेमेंट कर दी है कितनी उसकी फ्यूचर में रहती है उसकी पेमेंट के प्रोसेस क्या थे उसने ऑनलाइन पेमेंट दी है उसने किस बैंक में जमा कराई है अगर कोई ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उनका रिकॉर्ड भी मैंटेन करना ऑल दीज थिंग आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट दैन इंश्योर कम्पलाइंस विद द लॉ एंड वट एवर द प्रैक्टिस यू आर डूइंग आदर आप वो डाटा रिटेन करने के लिए करें रिकॉर्ड कीपिंग के लिए करें हैं फी को मेंटेन करने के लिए करें हैं वो सब कुछ आपका लॉ के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए मेंटेनेंस डिसिमिनेशन एंड डिस्पोजल ऑफ कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक वर्क नो दिस इज अनदर चैलेंज कि जो भी रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है उसको मेंटेन कैसे करना है उसे डिसमिनेट कैसे करना है और प्रोफेशनली अगर किसी जगह पे ज़रूरत है किसी साइंटिफिक वर्क के लिए उसको शेयर करने की तो वो किस हद तक करना है साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंशालिटी मेंटेन करते हैं इन क्रिएटिंग स्टोरिंग असेसिंग ट्रांसफरिंग एंड डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अंडर देयर कंट्रोल जहाँ पर चाहे वो इन फॉर्म ऑफ राइटिंग हो या वो उन्होंने उसको ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग के फॉर्म में लिया हो या वो आर्काइव्स के फॉर्म में हमारे पास कोई डाटा हो न्यूज़पेपर्स के रिकॉर्ड्स हो लेकिन इवन देन इन सर्टेन सिचुएशंस वी नीड टू सी दैट इफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग रेसिपिएंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज इज एंटर्ड इनटू डेटाबेस एंड सिस्टम्स ऑफ द रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल टू पर्संस हुम एक्सेस हैज नॉट बीन कंसेंटेड बाय द रेसिपिएंट देन साइकोलॉजिस्ट यूज कोडिंग और अदर टेक्निक्स टू अवॉइड द इंक्लूजन ऑफ पर्सनल आइडेंटिफायर्स ये जो कोडिंग की हम बात करते हैं ये इसीलिए किया जाता है ताकि सिस्टम से या डेटाबेस बेस से जितने भी लोग चाहे वो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है या वो कोई आपको किसी भी तरह की और सर्विसेज uh, प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी एक्सेस उस डेटा तक है उस डेटा को अगर कोई हैक भी कर लेता है तो वो इंडिविजुअल्स की पर्सनल आइडेंटिटी तक नहीं पहुँच सकता देन साइकोलॉजिस्ट मेक प्लान इन एडवांस टू फेसिलिटेट द अप्रोप्रिएट ट्रांसफर एंड टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशलिटी ऑफ रिकॉर्ड एंड डाटा इन द इवेंट ऑफ साइकोलॉजिस्ट विद रॉल फ्राम पोजिशन एंड प्रैक्टिस तो दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि एक सारा डाटा जो है वो एक डाटा बैंक के अंदर मौजूद है और एक साइकोलॉजिस्ट की उस पर एक्सेस है लेकिन उसको उसका कोई ट्रांसफ़र हो गया है जॉब का या उसकी कोई डी लोकेशन हो गई है या वो सीनियर हो गया है और अब उसका रोल चेंज हो गया है अब उसने किसी और को अपना रोल असाइन करना है इन सारी सिचुएशन के अंदर प्लान uh, करना पड़ता है कि किस तरीके से उस डाटा को ट्रांसफ़र किया जाएगा उसकी डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन किन राइट्स के थ्रू जो है वो नए इंडिविजुअल को की जाएगी और अगर आप उस स्पेसिफिक रोल में वो सीनियर साइकोलॉजिस्ट नहीं है या वो वहाँ से रीलोकेट होकर जा रहा है तो वो उस इंफॉर्मेशन को कभी भी किसी भी तरह से मिस नहीं करेगा सो यू नो दैट द इंफॉर्मेशन बैंक इज़ देयर द सिस्टम इज़ देयर द प्रोसीजर इज़ देयर बट टू हैंडल दैट विद केयर एंड ऑथेंटिसिकेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट और उसमें वो इंडिविजुअल जो वहाँ से लीव कराए और जो उसको ज्वाइन कराए दोनों के लिए डाटा की प्राइवेसी को सिक्योर रखना उसको उसकी इन्फॉर्मेशन को किसी से शेयर ना होने देना इक्वली इम्पॉर्टेंट होगा और ये रोल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होगा कि किसी भी जगह पे कोई लैप्स ना हो और इन्फॉर्मेशन जो है वो रीच ना हो सके